देखें इन तस्वीरों में किस तरीके से आशा कर्मचारी धरना देते नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क से सामने आई हैं। दरअसल मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में आशा कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें उनके द्वारा आशाओं को कार्य करने में आ रही समस्याओं को लेकर एक दूसरे से जानकारी ली गई। साथ ही सरकार द्वारा आशा वर्करों को मिलने वाले मानदेय व आशाओं संबंधित विभाग में हो रही धांधली व कमीशन खोरी के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो लखनऊ में आशाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। कई चीजें हैं जिसमें मुख्य ये है कि आशाओं का जो काम कर रही है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, 30% कमीशन मांगा जाता है। तो इसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो 1000 रुपये महीना केंद्र सरकार कोविड का देती है मार्च 2020 से दे रहे हैं, जो इन्होंने बंद कर दिया था लेकिन आंदोलन के बाद अभी फिर मार्च 2021 तक किया है, दे रहे हैं। लेकिन जो प्रदेश सरकार है इसने भुगतान जो है अभी तक 18 महीने का जो केंद्र सरकार से मिला है वो नहीं किया है। तो हमारा मांग है कि जो 1000 रुपये महीना कोविड इंसेंटिव है वो सबको दिया जाए, हमारे पुराने भुगतान जो है वो किए जाएँ, हमारा जो आशाओं के भ्रष्टाचार है विभागीय वो रोका जाए और हमने एक मुश्त जो है मानदेय दिया जाए कम से कम 10,000 और ये जो कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर है इसे खत्म किया जाए। इस दौरान भारी संख्या में आशा कर्मचारी मौजूद रही। वही देखना अब ये होगा कि कब जाकर इनकी मांगे पूरी हो पाती हैं।